हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू क्लीन एंड प्योरीफाई योर लंग्स। लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उनको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है सो दैट हमारी बॉडी में बेटर ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। लंग्स खराब होने के दो मेजर रीजन्स हैं, पॉल्यूशन एंड स्मोकिंग। तो जितना हो सके पॉल्यूशन को अवॉइड करें, और जो लोग स्मोक करते हैं उनको स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट कर देना चाहिए। पर स्मोकिंग के बाद भी होने वाले डैमेज को ठीक किया जा सकता है, जिसके लिए वीडियो में आज हम बनाएंगे एक ड्रिंक, जिसे अगर आप कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तो आपके लंग्स प्योरीफाई हो जाएंगे और वापस से हेल्दी हो जाएंगे। उसके साथ साथ वीडियो में हम कुछ और तरीकों के बारे में भी बात करेंगे जिनसे आप अपने लंग्स को हेल्दी और क्लीन रख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या हैं वो तरीके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लंग्स प्योरिफिकेशन ड्रिंक को कैसे बनाना है। दिस ड्रिंक इज वेरी इजी टू मेक, और इसके लिए एक कप पानी को अच्छे से बॉयल कर लें। अब उसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पर ये नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर जो घर में यूज होता है वो नहीं है, आपको यूज करना है कायन पेपर पाउडर जो ऑनलाइन और मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। इसके बाद ऐड करेंगे आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। अब डालेंगे एक चम्मच अदरक का रस, एक चम्मच नींबू का रस और दो चम्मच शहद। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें और हमारा लंग्स प्योरिफिकेशन ड्रिंक बनके रेडी है। इस ड्रिंक को आपको रात को सोने से पहले सिप सिप करके कंज्यूम करना है और आपके लंग्स एकदम क्लीन और प्योरीफाई हो जाएंगे। स्मोकिंग के टाइम जब टोबैको बर्न होता है तो उसमें से 4000 से भी ज़्यादा केमिकल रिलीज होते हैं, इंक्लूडिंग निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड टार, जो हमारे लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है, और ये ड्रिंक हमारे लंग्स से टार को रिमूव करता है। स्मोकिंग की वजह से हमारे एयर पैसेज में म्यूकस सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते जाते हैं, और उस म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से एयरवे ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि कफिंग की प्रॉब्लम रहती है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम रहती है। तो ये ड्रिंक लंग्स से उस म्यूकस को रिमूव करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे सांस लेना ईजी हो जाता है। स्मोकिंग से रिलीज हुए टार में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर जाते हैं, तो ये ड्रिंक लंग्स को प्योरीफाई करने के साथ साथ ब्लड को भी प्योरीफाई करता है। स्मोकिंग आपके लंग्स को तो अफेक्ट करता ही है, इसके साथ साथ इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर ब्रेन, स्किन एंड ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ड्रिंक पीने से आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग बहुत बेटर हो जाएगी, इनफैक्ट आपके एनर्जी लेवल्स भी बूस्ट हो जाएंगे। आफ्टर दिस ड्रिंक अब हम बात करेंगे अबाउट फ्यू वेज एंड फ्यू हैबिट्स, जिन्हें आप अगर अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपके लंग्स क्लीन और हेल्दी रहेंगे। फर्स्ट इज ईट रॉ एंड ऑर्गेनिक हनी। हर रोज एक से दो चम्मच रॉ एंड ऑर्गेनिक हनी, जिसे पास्चराइज नहीं किया गया है, अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं तो आपके लंग्स हेल्दी और क्लीन रहते हैं, क्योंकि रॉ एंड ऑर्गेनिक हनी में होती हैं एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, एंड इट इज ऑल्सो इफेक्टिव फॉर मैनी अदर डिजीजेस। सेकेंड इज ईट क्लोरोफिल रिच फूड एंड एल्कलाइन वेजिटेबल्स। तो आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कायन पेपर, गार्लिक, रेजिन्स, नट्स
एंड वीट ग्रास इन सभी को इंक्लूड करना चाहिए। इनफैक्ट वीट ग्रास जूस का अगर एक शॉट आप हर रोज कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लंग्स को एकदम क्लीन कर देता है। और ये सभी आइटम्स अगर आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपके लंग्स बहुत ही हेल्दी रहेंगे, बिकॉज इट इंक्रीजेज बॉडीज ऑक्सीजन बाय प्रोड्यूसिंग मोर ब्लड इन दी बॉडी। थर्ड इज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। जो लोग रेगुलरली स्मोक करते हैं उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे में डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत यूजफुल है। जब आप स्लोली और डीपली इनहेल करते हैं इट इंश्योर्स कि आपके सभी ऑर्गन्स को बेटर ऑक्सीजन सप्लाई मिल पाए, और साथ में ये आपके डायफ्राम को भी स्ट्रेंथन करती हैं जिससे आपका सांस लेना इजी हो जाता है और आपके लंग्स भी हेल्दी रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी मीन्स लार्जर ब्रेथ एट फास्टर रेट, एंड मोर ब्रेथ मीन्स मोर एयर, एंड मोर एयर मीन्स मोर ऑक्सीजन कैन बी डिवाइडेड थ्रू आउट द बॉडी। और फिजिकल एक्टिविटी करने से आपकी लंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। तो वीक में 5 दिन हर रोज 1 घंटा आपको अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड कार्डियो ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और आज के वीडियो में बनाए गए ड्रिंक को आप जरूर ट्राई करना, और हर एक ड्रिंक के साथ आपके लंग्स की फंक्शनिंग बेटर होती जाएगी। Keep watching, keep loving, keep supporting, and I'll be back with next video very soon. As I always say, follow your passion, follow your dreams, and stay fit.